चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं जेई मेन के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत कंपलसरी है, और उनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके पूछे जा चुके हैं, तो उसी क्वेश्चनों को हम लोग टच करते हैं बारी बारी। देखिए, मैथमेटिक्स आपका कोई ऐसा फंडा नहीं है, ठीक है, जिसको डायलॉग के साथ आप कर सकें। मैथमेटिक्स यही सिखाता है कि हाउ टू डेट द योर कंट्रोलिंग एवरी थिंग्स, कि आपकी हर चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आप मैथमेटिक्स से हर चीज़ें पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो जनरली हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, और किसी भी कंपटीशन में आप बैठ रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि विथ इन सेकेंड के उस सेकेंड के अंदर जो आप उस चीज़ को सॉल्व कर लें, यदि आप 80-85% तक सॉल्व कर लिए तो डेट मीन्स कल्याण है आपका, ठीक है। यदि फूल के चक्कर में पड़े तो ना इधर का ना उधर का, तो 80-85% तक जो एकदम अच्छे से कवर कर लिए तो गवर्नमेंटेड सीट जो है आपको मिलने की चांसेस बढ़ जाती हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ द थीटा फॉर विच 2+3i साइन थीटा अपॉन 1-2i साइन थीटा इज ए प्योरली इमेजिनरी इज, इस कंडीशन में ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो अब क्या करना है। सबसे पहले जब प्योरली इमेजिनरी नंबर की बातें किया जा रहा है तो डेट मीन्स यहाँ पर ऑलरेडी क्या होगा कि ये चीज़ें यहाँ पर जो रियल नंबर होगा वह हमारा क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो इसको ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का सेंस क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे है इनटू किए किससे, 1+2i साइन थीटा एंड यही 1+2i साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। वन में टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आपका टू आ जाएगा। फिर वन का इसके साथ चलिए तो 3i साइन थीटा हो जाएगा, राइट। फिर टू के साथ इसमें ये टू हो जाए, टू आई साइन थीटा एंड 2 3 6 -6 क्योंकि आई स्क्वायर कोई वन हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, और ये साइन साइन का साइन स्क्वायर थीटा, श्योर। उसके बाद आपका ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो क्या करेंगे, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, आई टू टू जब 4 आई स्क्वायर का आपका -1 तो प्लस कर देगा, और यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो अभी आप देखिए, हम जो है ये रियल नंबर एक साथ कर ले रहे हैं, तो आप रियल नंबर देख पाओगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2-3 यहाँ पे कॉमन भी ले सकते थे, अदरवाइज यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपन इसको 1+4 साइन स्क्वायर थीटा एंड हियर द 3 to 5 हो जाएगा। ये देखिए 3 this and this 3 to 5 आई साइन थीटा अपन 1+4 साइन स्क्वायर थीटा, तो इमेजिनरी प्योर नंबर बोला था, यानी ये वाला जीरो होगा, तो जीरो की मल्टीप्लाई इसके इक्वल टू जीरो चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, मीन्स टू इस तरह से यहाँ पे 1+4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा। टू को इधर मूव कर दीजिए, 6 = 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे -2, ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 = 10 डेट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 आई स्क्वायर हटाइए तो रूट में, ठीक आई रूट में हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे थीटा को वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√3। तो ऑप्शन कौन सा है, कोई नहीं, 2 × 2 = 3 इतना आपका सिस्टम सही तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। अब सॉल्व कीजिए, ऑप्शन मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, कीजिए कीजिए,
ऑप्शन गलत हो सकते हैं। ये आपका यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे रूट थ्री ही होना होगा। अभी देखिए मिल जा रहा पूरा सही तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√3 आपका रहेगा, ठीक। तो इस तरह से भी आपके बहुत से क्वेश्चन बनते रहते हैं भाई, इसलिए दे देते हैं सब फंसाने के लिए भाई। फंसाई फंसी तो वहाँ माथा पच्ची लगाइए, अपना टाइम लॉस कीजिए, घबराना नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेइंग दैट ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी यूनिमॉडुलर इफ मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। सपोज जेड वन एंड जेड टू आर कॉम्प्लेक्स सच दैट जेड वन माइनस टू जेड टू अपॉन जेड वन जेड माइनस जेड वन ऑफ द जेड टू बार इज यूनिमॉडुलर एंड जेड टू इज नॉट यूनिमॉडुलर देन। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में सबसे पहले ऑब्वियसली ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द पॉइंट ऑफ जेड लाइज ऑन द किस पे होगा कि स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस ऑब्लिक वाई एक्सिस पे पैरेलल या सर्किल ऑफ रेडियस टू या यहाँ पे रूट टू। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होगा नहीं, ठीक है। तो टू और रूट टू में यही हमें देखना कि कौन इन दोनों में से होगा। तो देखिए जो यूनिमॉडुलर दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसी को हम किस पे लिख चले जेड के लिख चल रहे हैं। जेड वन पे ये हुआ कि जेड वन पे आपका डज नॉट इक्वल टू 1, 1 की इक्वल नहीं है। तो जेड टू पे देखते हैं, तो जेड टू पे देखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जेड वन लाइज यानी माना कि 1 की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें सपोज करते हैं जेड वन माइनस टू जेड टू ऐसे लिखें एंड जेड वन माइनस जेड वन ऑफ जेड टू इक्वल टू अपॉन हो गया प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए जेड माइनस टू जेड टू जेड वन माइनस यहाँ पर हो जाएगा जेड वन ऑफ जेड टू, ठीक है। और इसको मॉड में ले लें ऐसे, ठीक। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं अंदर बहुत सारी, चलिए स्क्वायर कर दें। तो ये आप हो जाएगा यहाँ पे जेड वन स्क्वायर, ठीक है, टू टू जब फोर जेड टू मॉड ऑफ स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस टू टू जब फोर जेड वन एंड जेड टू, क्लियर। सिमिलर इन दिस कंडीशन जेड वन ऑफ स्क्वायर एंड टू टू जब फोर टू टू जब फोर नहीं ओनली जेड है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जेड वन एंड दिस इज द जेड टू का स्क्वायर। नाउ क्या था आपका टू टू जेड 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 टू जेड वन का स्क्वायर एंड दिस इज द जेड टू, ठीक। देखें तो दिस कैंसिल, ये भी मूव हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका फोर जेड टू इस फंक्शन को हम इस साइड ले लेते हैं, ये भी फंक्शन को इस साइड ले लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यदि हम जेड टू कॉमन ले लेते हैं जेड टू ऑफ स्क्वायर तो क्या आपको देखिए मिलेगा कि फोर माइनस आपका जेड वन स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इन दिस व्हाट इज यहाँ पे फोर है आपका और यहाँ पे ये है तो माइनस फोर जेड वन एंड जेड टू एक यहाँ पर आ जाएगा
प्लस हो जाएगा आपका ये प्लस टू जेड वन स्क्वायर एंड जेड टू इक्वल टू जीरो। नाउ थिंक इन दिस, इफ आई एम टेकिंग द कॉमन जेड टू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जेड टू कॉमन ले लेंगे तो क्या आपको देखने मिलेगा, यानी इस कंडीशन में हम जेड इक्वल टू ऐसे सपोज कर लें, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स ऑफ द आई, ठीक है। यानी इसका जेड पे हम देखते हैं इसका, तो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर अब तक वन हो जाएगा, माइनस वन है प्लस कर देंगे अब तक ये टू, ठीक है। फोर है तो टू आ जाएगा, तो डेट मीन्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेडियस ऑफ द ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हमारा किस पे आएगा, टू पे आएगा, सर्किल ऑफ द रेडियस टू, ठीक है। तो जनरली इस तरह से करते हैं तो आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल्दी नोट करें। चले नेक्स्ट में आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस हाफ, जेड प्लस हाफ पे देखना है। इसके चारों ऑप्शन है, इज इक्वल टू द फाइव बाई टू डेट मीन्स, ठीक है, फाइव हाफ लाइज टू इंटरवल वन टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द फाइव बाई टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन थ्री बाई टू बट लेस देन फाइव बाई टू। तो लेस देन फाइव बाई टू देखिए लैंग्वेज में बड़ा सही लपेटा है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर इसके लेके चलते हैं जेड प्लस टू इक्वल टू, तो यहाँ पर जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आप लिख चलते हैं तो जेड इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। तो जबकि क्या कह रहा है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इक्वल है ग्रेटर देन भी है, तो आप यदि ऐसे एक ड्रा करते हैं, ठीक है, सर्किल, तो सर्किल पे देख पाएंगे आपका यहाँ पे जो आपका सेंटर होगा, सेंटर जीरो जीरो होगा, ठीक है। ये जेड दिखा रहा है, यदि इधर जाते हो वन टू, यहाँ पर हमारा जो होगा कोऑर्डिनेट टू और जीरो, ठीक है। इधर भी उतना ही आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे माइनस टू और जीरो हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ द जेड प्लस हाफ, जेड प्लस हाफ है, तो जेड प्लस हाफ डेट इज इसको यह डिफाइन करेगा। यदि मान लेते हैं हम लोग कि ये हाफ है और उसके बाद ये जो है टू से ग्रेटर देन है, तो टू से ग्रेटर देन यहाँ पे आपका माइनस टू है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लिख चलते हैं, आ जाएगा यह कितना आ जाएगा, वन है, वन ऑफ द हाफ, ठीक है। यहाँ पे भी आपका हाफ हो जाएगा, तो इधर आएगा तो नेगेटिव हाफ हो जाएगा, फिर जीरो और फिर ये हो जाएगा आपका। तो देख पाएंगे हाफ का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मिला के इंक्लूड करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आप देख पाएंगे, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस पपेंडी स्क्वायर, तो नियर अबाउट आपका कितना आ जाएगा, ये मान लीजिए इसका और इसका ले चलते हैं तो माइनस हाफ का यानी कितना जाएगा, वन बाई माइनस हाफ माइनस जीरो, तो वन बाई फोर हो जाएगा, ठीक है, वन बाई फोर हो जाएगा। और जनरली यहाँ पर देख पाएंगे कितना आ जाएगा, जीरो 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 हो जाएगा,
ठीक है। और इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में तो हमारे यहाँ पे आ जा रहा है हाफ ऑफ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है आप 1/2 निकाल दीजिए, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। तो 1/2 ये क्या सर्किल को ही दिखाएगा, सर्किल को दिखाएगा, तो 1/2 यानी आपका यहाँ पर जो हमारा चल रहा था एक यही जो जेड का निगेटिव, तो ये यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर -2, तो फिर एक आगे कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं। तो देखिए -1 + 1/2 का होल स्क्वायर नेक्स्ट में क्या जाएगा, 0, क्लियर। तो इस कंडीशन पे भी आपका यहाँ पे 2 है, 2 जगह 2 जगह 4, 4 में से आपका यह जाएगा आपका 3/4, डेट मीन्स √3/4। √3/4 मतलब ये क्या है, एक सर्किल को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये यह हमारा क्या जाएगा, लाइज इंटरवल 1/2, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन 5 तो है, 5/2 है, डेट मीन्स 5/2 है, लेकिन लेस देन यहाँ पर 5/2 से होगा ही नहीं। सो बेटर 1/3, 1/2 का ही बेटर ऑप्शन होगा, इक्वल टू 5/2 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ओनली आपको हो जाएगा ये लाइज इन द इंटरवल बिटवीन 1/2, ठीक है, 1/2। देखिए कभी भी जब जेई मेन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप जो है 30 से 35 सेकेंड के अंतर्गत जो है आप जितना शॉर्टकट मान लीजिए और करेक्ट होना चाहिए, तब आपके लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाता है कि डैट मीन्स यस कि आप भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, जो भी समस्याएं हैं पूछते रहें, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सो थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दी सर्किल पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट 1-2 एंड टचिंग द एक्सिस ऑफ एट 3-0 आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट। ये जो कोऑर्डिनेट दिया है इसमें से कौन सा होगा, सर्किल है, हम डार्क कर दें सर्किल। तो इसमें पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कह रहा 1 से -2 एंड 3-2 इतना है टचिंग कर रहा, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसमें जो है फोर्थ में हम लेग चलते हैं, ठीक है, फोर्थ ही में प्रॉपर्टी देख ही रहे हैं। तो अब ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे हम देखें कि इसका जो आपका मेन सेंटर होगा, सेंटर ऑफ ओआर, यानी सेंटर ऑफ ओआर पर कंडीशन ये हमारा कि सेंटर ऑफ ओआर पे यहाँ पे क्या करा है, एट एक्स एक्सिस, यहाँ पे एट एक्सिस पे क्या 3 और 0 है, और यहाँ पर आप लिख चल लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट लिख चल लीजिए। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन लगाते हैं x-h² एंड y-k² इक्वल टू a² चाहे r² जो भी लिखें, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं इस कंडीशन में h की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं, x-3 ऑफ स्क्वायर एंड ये तो y-k ऑफ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आपका a² है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि a² है, तो a² ही लिख चले यहाँ पे, या तो k² लिख चलिए, k² हो जाएगा रेडियस की जगह, ठीक है, इसकी रेडियस जो हमारा क्या है, r है या k है या a है, जो भी मानना। तो जनरली आप देख पाएंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका x-, इसको ओपन भी कर सकते हैं, a² b² फिर हो जाएगा आपका 2ab 2 3 6, ये हो जाएगा आपका -6x, और फिर यहाँ पर लिख पाएंगे आप
यहाँ पर हम लिख देते हैं के माइनस वाई की जगह पे के सपोज कर लेते हैं, के माइनस आर ऑफ द स्क्वायर एंड दिस इज द आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, और यहाँ पर के की वैल्यू जीरो हो जा रहा है, के की वैल्यू जीरो यहाँ पर है ही है, तो क्या जाएगा आपका सीधे आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपका सीधे आर स्क्वायर, क्लियर। आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वी गेट द यहाँ पे एक्स कॉमन लें तो एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू, यानी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा आपका सिक्स हो जाएगा, टू थ्री सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर गया सिक्स हो गया, और यहाँ पे फिर हमें देखना है वन और टू से, वन और टू पे देखना है, तो वन और टू पे लेके चले हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए एक्स इक्वल टू ऑफ द बी एंड वाई इक्वल टू ऑफ द ए, तो देर मीन्स यहाँ पर निकल जाएगा सिक्स, और यहाँ हो गया आपका अपडेट वन फॉर एक्स एक्सिस के लिए। और यहाँ पे मैं जो है सीधे यदि बी कोई पार्ट बी प्लस में ले लेता हूँ, इधर आ जाएगा फाइव पे बी, ठीक है। और यहाँ पर है सीधे आपका, ठीक है, ये सिक्स निकल गया। अब यहाँ पे देखिए ये टू है, यानी यहाँ पे ए इक्वल टू आपका टू माइनस टू, यानी कोऑर्डिनेट ए और बी आपको फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। ए और बी कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं, माइनस टू और फाइव, माइनस टू और फाइव ये चौथा, नहीं ये है ना, तो ये हो जाएगा आपका चौथा नहीं तीसरा हो जाएगा अपोजिट में, तो ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे फाइव और माइनस टू, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे करते प्रोसेस थ्रू टू द एक्स एक्सिस, सर्किल पे एक्स एक्सिस पे जो इसका होगा कोऑर्डिनेट फाइव और माइनस टू पर होंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, इज द सेइंग दैट व्हाट द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट कोऑर्डिनेट 10 एंड पास थ्रू द पॉइंट ऑफ द गिवन 10/3, 3/5, 6/5 एंड 5/3, और वहां का कोऑर्डिनेट दिया 2, 3 इंच, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस टू दैट 102 पास कर रहा है, और यहाँ पे थ्रू द पॉइंट पास कर रहा है, तो इस कंडीशन में यदि आप ड्रा करते हो फिगर, ठीक है, तो क्या देखने मिल रहा कि भाई यहाँ पे जो सेंटर ऑफ हमारा ओ आर है, सेंटर ऑफ ओ आर इस कंडीशन पे यहाँ का और यहाँ का जो वैल्यूएशन यहाँ पे दे रहा है क्या 1 और 0 दे रहा है, और यहाँ पे दे रहा है 2 और 3। तो इस कंडीशन को आप देखते हुए जो है यदि देखें इक्वेशन, यू नो वेरी वेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है सर्किल के इक्वेशन, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 1 से 0 और फिर 2 से 3 तक जा रहा है। तो आप सिंपल सा सोच पाओगे, चलो ये एक्स एक्सिस पर हम लेकर चलते हैं, तो ये 1 माइनस h का ऐसे लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट हमारा x और y हो गया, और यहाँ पे आपका 0 माइनस k ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन, एंड सिमिलर इन दिस थ्रू द पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 2h ऑफ द स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस k ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 है,
दोनों एक दूसरे की कॉल दिस दिस कैंसिल, ठीक है, तो दिस दिस कैंसिल, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आता है इसमें, लिख दीजिए इसको ए स्क्वायर, मीन्स एक स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू एच, इसको भी क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस कर ले रहे हैं, तो माइनस करते हुए कट रहा है माइनस माइनस, तो यहाँ पर जगह टू टू जा आपको फोर, ठीक है, माइनस सात, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस होता माइनस पास कर जाएगा एच स्क्वायर, टू ए बी तो टू एच हो जाएगा, क्लियर। एंड दिस इज के स्क्वायर एंड देयर इज माइनस नाइन के, फिर के स्क्वायर टू थ्री या सिक्स के, ठीक है, तो देखें टू एच कैंसिल आल्सो, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बस क्या रहा आपका फोर ऑन फाइव माइनस थ्री माइनस थ्री एंड दिस कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस थ्री माइनस नाइन इक्वल टू सिक्स के, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाए आपका माइनस ट्वेल्व बारह, यहाँ पे सिक्स के, ठीक है, तो यहाँ पे कट करते तो के वैल्यू कितना हमारा रिसीव होने वाले हैं टू माइनस टू पे माइनस टू, ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इक्वेशन जो है आपका पास कर रहा है, तो टू, और देखिएगा द लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है, बी सी द टचेज ऑफ एक्स एक्सिस टू द इतना और इतना पे, तो एक्स और एक्सिस और इस पे जो हम ऐड कर रहे हैं, तो मान लीजिए ऐड करते कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे टच के लिए एक्स प्लस वाई विथ द, यहाँ पर हो जाएगा थ्री ऑफ द डायमीटर, यानी यहाँ पर के, तो के वैल्यू हमने निकाल ही लिया माइनस टू का, इन दोनों का ऐड कर लिया, थ्री टू फाइव, फाइव टू जाए टेन, माइनस टेन बाई थ्री, ठीक है, और नहीं तो उस तरह आपका सिंपल सा हो जाता है, यहाँ पर ऐड कर लेते तो निकल के आता आपका फाइव 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 वन थ्री, तब ये होता, लेकिन यहाँ पोजिशन करा डायमीटर पे, तो इसको ना लगा के दोगे आप किसको करोगे, इसको चूज करोगे, ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो बहुत सही जो है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको लगाने का तरीका क्या है, और वहाँ पर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा। क्वेश्चन जब इस टाइप के जब देते हैं आपके जेई में, तो क्वेश्चन को डाइवर्ट करने के लिए जो है उसी से रिलेटेड इतना सटीक दे देता है ना, कि यदि विशेष आप जो है आप कंडीशन वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फाल्ट कर जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखते हुए जो है आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जो भी डाउटें हैं पूछते रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, सो थैंक यू।
हेलो बच्चों, रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास सेकंड ईयर, जो आपके लिए सभी बोर्डों के लिए आवश्यक है, कंपलसरी है विद द इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में आपने इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है। फिजिक्स के भी कुछ ऐसे पार्ट होते हैं। हियर द क्वेश्चन इज द सेम दैट व्हाट डिड एक्स साइन एक्स ऑफ ई पावर एक्स लॉग एक्स। देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे इसको आप फर्स्ट सपोज कर लीजिए, इसको सेकंड सपोज कर लीजिए। अर्थात यहाँ पे आप चाहेंगे तो गुणज रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। यू नो बच्चा लोग, फर्स्ट एंड सेकंड इज ए डिफाइंड एट फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, एंड हियर द सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये कॉन्सेप्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग यदि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो, फर्स्ट उसी तरह लिखते हैं साइन एक्स ऑफ ई पावर एक्स ऐसे, उसको फर्स्ट है। हाँ, नाउ डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड लॉग एक्स हो गया, फिर सेकेंड को उसी तरह लिखते हैं लॉग एक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स ऑफ ई पावर एक्स। इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे दो पार्ट है। तो देखें, ई पावर एक्स यदि मैं आगे लिख दूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड वन बाई एक्स हो गया, इसका फॉर्मूला यू नो होता है। फिर देखिए, यहाँ पे लॉग एक्स हो गया, इसमें फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड तो इसी का एक पार्ट है ना, इसमें इसके वजह से हमने ब्रैकेट यूज किया फर्स्ट। फिर यहाँ पे ऐसे लगाइए तो क्या जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेकेंड हमारा क्या है ई पर एक्स, नाउ सेकेंड इसी तरह लिखते हैं ई पर एक्स, नाउ जस्ट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, क्या जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक। देखा, यहाँ पर जाएगा ई पर एक्स साइन एक्स, ठीक है, लॉग एक्स अपान एक्स बन जाएगा, नीचे ही माना जाएगा, प्लस ई पर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई पर एक्स होता है, इसका मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं, तो लिख सकते हो आप लोग मल्टीप्लाई करके कर दो तो, या ऐसे ही लिख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जाएगा लॉग एक्स साइन एक्स आई पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई पावर नाउ प्लस ई पावर एक्स, यहाँ पे भी आपका लॉग एक्स एंड साइन का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चा कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद आपका यहीं पे क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अदरवाइज आप चाहो थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो तो एक्स का इसमें मल्टी, एक्स का इसमें मल्टी, फिर टोटल अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से सिंपल सा आप कर सकते हैं, नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। मुल्ला का दौड़ मस्जिद का अर्थ ये होता है कि बस यहाँ से उठ के वहाँ जाना, वहाँ से उठ के यहाँ तक आना, मतलब अपने दो लक्ष्यों तक जो है सीमित रह जाना, ये चीज होता है मुल्ला का दौड़ मस्जिद ये होता है। चलो, अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे है, साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से क्वेश्चन है तो क्या करते हैं यहाँ पे, इस तरह से इसमें भी चैन रूल लगा सकते हैं, सोचेंगे विचार नहीं तो करेंगे। इस पूरे पार्ट को फर्स्ट मान लीजिए, इस पूरे पार्ट को सेकंड, तो फर्स्ट उसी तरह लिखते हैं साइन एक्स प्लस बी ऐसे लिख दीजिए, फिर आप जो है डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड कॉस बी एक्स प्लस सी, फिर सेकेंड उसी तरह लिखते हैं कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स साइन एक्स प्लस, ठीक है।
इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको टी सपोज कर लीजिए, ठीक। साइन एक्स प्लस बी, इसको बी बाहर ले लेंगे, डायरेक्ट लिखना चाहें तो बी बाहर लिख के अब कास का माइनस साइन बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हैं तो डी एक्स कॉस टी, तो डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड, आफ्टर दिस एक्सचेंज ऑफ पर नाउ प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी डी टी एक्स साइन टी वन, तो डी टी वन से मल्टीप्लाई डी टी वन से डिवाइड पुनः एक्सचेंज, से कितना आ जाए आपका साइन एक्स प्लस बी, ये हो जाए आपका डी डी टी कॉस टी डी डी एक्स आई टी टी को यूज किए डी एक्स प्लस गुड। फिर यहाँ पर जाए कॉस डी एक्स प्लस सी, फिर यहाँ पर जाए डी डी टी साइन टी वन एंड डी डी एक्स, और टी वन को क्या देखा एक्स प्लस बी, इस तरह से आपको ना देखा साइन एक्स प्लस बी कास का माइनस साइन टी, इसका देखिए बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का वन आई जीरो हो जाएगा, तो जीरो लिखने है जरूरी है नहीं, तो हो जाएगा बी कॉस बी एक्स प्लस सी साइन टी का क्या जाएगा कास टी वन, ये बाहर एक्स का वन आई इधर जीरो, तो इसको माइनस बी आगे लिखता साइन एक्स प्लस बी नो साइन टी, टी की वैल्यू क्या आपका यहाँ पर था बी एक्स प्लस सी, फिर ये बाहर ले लीजिए कॉस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर लिखते हैं कॉस व्हाट इज टी ऑन एक्स प्लस बी, ये हो जाता आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, ध्यान रहे यदि कहीं कहीं क्वेश्चन यदि एंगल सेम रहे तो वहाँ पे हम तभी फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे टेक्निक कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे देखना, इफ यही क्वेश्चन साइन ए एक्स प्लस बी फॉर्म में आई कास एक्स प्लस बी, एंगल सेम हो गया ना, तो क्या चाहते हैं दो से मल्टीप्लाई कर देते, दो से डिवाइड, टेक्निक हो जाता, ये फार्मूला बन जाता कितना वन बाई टू आज साइन लिख देते टू फार्मूला ए एक्स प्लस, याद आ रहा है, ठीक है। अब इसका फार्मूला लगा लेते वन बाई टू साइन का क्या होता है खास टू ए एक्स प्लस बी, आज चैन रूल लगाते तो क्या टू ए बाहर एक्स का वन है जीरो हो जाता, जैसे लिखते टू ए प्लस कैंसिल तो क्या बन क्या आता था ए कॉस, ठीक है टू ए एक्स प्लस टू बी लिख लेते आंसर हो जाता, क्लियर। इस तरह से तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, पुनः इसके बाद आप लोग एन अपॉन डी पे देखेंगे, एन अपॉन डी का मतलब यह हुआ कि इसको आप एफ एक्स सपोज कर लेती है इसको सी एक्स, यानी एन अपॉन डी नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो याद आ रहा होगा आप लोग को डी का स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ एन माइनस एन डिफरेंशियल ऑफ डी, इस फार्मूला पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन यदि मैं कहूँ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर और यहाँ पर आपका रहे साइन थ्री एक्स माइनस टू, एन का वैल्यू ये समझिएगा ऊपर वाला इतना समझिएगा इस पर लगेगा तो बहुत आसान होता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ ए पावर एक्स
लॉग एक्स बेस्ट द ए, लॉग एक्स बेस्ट द ए है, ध्यान रहे। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ई पर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस फोर, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। कोसेक रूट एक्स अपान ई पर रूट एक्स, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लगाते रहिए, जो भी डाउट है पूछते रहिए, हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एप्लीकेशन पे उन बच्चों का जो है, जो एप्लीकेशन पे डाल रखे थे, अपना रजिस्ट्रेशन कर रखे थे एडमिनिस्ट्री के द्वारा, जो उसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, एडमिनिस्ट्री के द्वारा जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उस पर भी आप लोग जो है जाकर आप लॉग इन करके उस पर भी अपना स्टडी कर सकते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस टाइप का जो है बेसिक आप लोग क्वेश्चन आपका है, सपोज कीजिए डीडी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी और इस तरह से कास ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, चलिए डी है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, हम सोच रहे थे। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिख लेना चाहिए एन अपन डी, तो डी स्क्वायर फिर लिखते हैं डी डिफरेंशियल ऑफ एन माइनस एन डिफरेंशियल ऑफ डी, ठीक। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें नीचे का स्क्वायर करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, मतलब यहाँ पर होल स्क्वायर लिखेंगे तो एंगलो हट के यहाँ पर आता है, स्क्वायर करता है, ठीक है। फिर इसी को सेम लिखते हैं यहाँ पे विदाउट स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी, देखिए ये डी स्क्वायर फिर डी लिखते हैं, फिर डिफरेंशियल ऑफ एन यानी कितना यहाँ पे साइन एक्स प्लस नीचे वाले को पहला एन आप लिखते हैं साइन एक्स प्लस बी और डिफरेंशियल ऑफ डी, डी हमारा है कॉस सी एक्स प्लस डी, चैन रूल लगाइए या डायरेक्ट आप कीजिए क्या करें, डायरेक्ट है ना चैन रूल लगा, इसको भी समझ लो। देखो इसको टी मानते हैं, इसको कैपिटल टी सपोज कर लेते हैं, जैसे आप डायरेक्ट लगाओगी तो साइन का कॉस हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस बी आई बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी कास का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी या सी बाहर हो जाएगा, चैन रूल लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है कास सी एक्स प्लस डी और यहाँ पे डी डी, अब इसमें टी स्मॉल टी माने ना डायरेक्ट स्मॉल टी के चेंजिंग कर दे रहे हैं, तो साइन कितना जाएगा टी और ये वाला डी एक्स वाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो डी एक्स यहाँ पर आ गया और टी को लू क्या आपका एक्स प्लस डी माइनस साइन एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी आ इसको हम लोग डी डी कैपिटल टी ले चुका हूँ कॉस टी और यहाँ पर जो आपका डी एक्स वाला यहाँ पर आ जाता है ये वाला उठ के और कैपिटल टी को लू क्या है सी एक्स प्लस डी अपान कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तब देखें यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए कास सी एक्स प्लस टी साइन का हो जाएगा कास टी, तो टी को लू रखें एक्स प्लस बी और इसका एक्स कौन हो जाएगा ये बाहर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बी का जीरो जीरो लिखना जो है नहीं, ठीक है। माइनस साइन एक्स प्लस बी कास का माइनस कास का माइनस प्लस कर देगा
फिर यहाँ पे साइन टी कैपिटल टी, कैपिटल टी को क्या यहाँ पे सपोज किए थे सी एक्स प्लस टी, इसका सी हो जाएगा यहाँ पे जीरो, एक्स का वन, तो सी यहाँ पर लिख दिए बाई कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है सी एक्स प्लस डी यहीं छोड़ दीजिए। अदरवाइज व्हाट विल डू, इतना प्लस के इधर वाले में साइन कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ले लीजिए, एक यहाँ से कट जाएगा कास कास में, और यहाँ से आपका इसमें का नहीं कटेगा, लेकिन नहीं कटेगा लेकिन साइन अपान कास को सी एक्स है, साइन सी एक्स प्लस डी अपान कास सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी, तो साइन अपान कास को क्या लिख सकते हैं टेन लिख सकते हैं, ठीक है इस तरह से कर सकते हैं, यहीं छोड़ दीजिए। अदरवाइज चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये एक कास एक कास कट जाएगा तो क्या बचेगा कास एक्स प्लस डी बी, इसमें का कास ये वो बचा हुआ रहेगा सी एक्स प्लस डी प्लस सी, ये हो गया साइन ऐसे आप लिखोगे एक्स प्लस बी साइन, इसको दो बार कास कास लिख रहे हैं तो साइन अपन कास टेन सी एक्स प्लस डी, और अभी इसमें का एगो कास बचा रहेगा सी एक्स प्लस, ठीक है ठीक है, वन बाई कॉस का मतलब वही हुआ ना, वन तो छिपा जाता है, एक कास इसमें का आ गया है, दो बार जब इसके नीचे लिखेंगे तो साइन अपन कास इसमें टेन हो गया, इस तरह से फिर चाहो तो इस कास सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लीजिए, ठीक इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं। और भी क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ घर पे, आप ट्राई करते रहेंगे। कॉस स्क्वायर अपन लॉग इतना एक्स प्लस थ्री डी डी एक्स साइन रूट डी एक्स प्लस वन अपान ए पावर एक्स लॉग ई बेस टू द ए डी डी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एंड हियर सेक स्क्वायर बी सी एक्स क्यूब प्लस डी, इस पे लगाइएगा एंड ई पावर एक्स, और यहाँ पर लॉग ई पावर एक्स का, ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन और लगाइएगा, जो क्वेश्चन आएगा पूछिएगा, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है रात में पढ़िए, खाना खा कर हल्का बिनक लीजिए और पढ़ाई बढ़िया से कीजिए, सब कुछ आप अपने दिमाग को आगे बढ़ा लो ना तो आपकी लाइफ बन जाएगा, जब लाइफ बन जाएगा तो हर चीज़ आसान हो जाएगा। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, शुभ रात्रि। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, आज हम लोग सेकंड ईयर का जो रिपीट करते हुए क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है If y equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, so that x square y 2 plus आपका x y 1 plus y equal to 0, इतना आपका आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, जनरली आप लोग को सोचना ये पड़ता है कि ये क्या शो कर रहा है, दिस इज द शोइंग दैट व्हाट इज, ये जो है सेकेंड ऑर्डर का है, यानी ये डिफरेंशिएट टू टाइम करना है और यहाँ पर आपका वन टाइम डिफरेंशिएट, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशियल लिखेंगे ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स डी डी एक्स थ्री कॉस लॉग एक्स, ठीक है थ्री डी एक्स इसके साथ में लगाएं और डायरेक्ट बाहर ले जाएंगे कॉन्स्टेंट, ठीक है साइन लॉग एक्स, इतना होगा। आप सोचिए थ्री भी यहाँ पे बाहर हो जाएगा, ऐसे कॉस डायरेक्ट कॉस का होता है माइनस साइन माइनस साइन लॉग है तो लॉग एक्स लिखिए, अब वन सेकेंड चैन रूल भी लगाइए तो लॉग एक्स का डी एक्स कितना होता है वन बाई एक्स, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला होता है प्लस,
साइन का क्या होगा आपका कॉस एक्स के लिए लॉग एक्स फिर से लॉग एक्स लिख दीजिए। अब वन से इसका भी आप की मान के जब टेन रूल लगाएंगे तो लॉग एक्स कितना लगेगा हम भाई यस राइट ओके। और यहाँ पर आपका ये फोर रहेगा और तीन रहेगा तो इसी को आप बोलते हो वन टाइम डिफरेंस है। इसको डी बाई डी एक्स को वाई वन भी बोल सकते हैं तो वाई वन यहाँ कर लिया आप समझ लीजिए। इसी का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हम दूसरा फाइंड आउट कर लेंगे राइट। तब यहाँ पर वन सेकेंड आल्सो वंस अगेन डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा बोथ साइड करने पे यहाँ हम देख पाएंगे डी वाई बाई डी एक्स डी डी एक्स ऐसे इसमें आप आ जाइए माइनस थ्री कॉन्स्टेंट बाहर लेते हैं डी डी एक्स साइन log x upon x and english यहाँ भी फोर बात कर लीजिए डी डी एक्स cos log x upon sure ठीक है। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला है n upon d तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि डी डी एक्स n upon d में हम लोग क्या करते हैं d का स्क्वायर d डिफरेंशियल ऑफ n ऊपर का डिफरेंशियल फिर n लिखते हैं फिर डिफरेंशियल ऑफ ऐसे लिखते हैं तो आप ऐसे सोच सकते हैं इसी को आप हम लिख सकते हैं क्या है डी डी मिल के डी स्क्वायर वाई एंड डी आई डी एक्स डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसी को हम वाई टू भी बोलते हैं तो वाई टू देखिए यहाँ पर लिख ही रहा है वाई टू था ऐसे थे वैसे तब देखिए इसका डी यानी डी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। फिर क्या लिखना है आपको डी उसी तरह लिख देना यस हो गया। फिर क्या लिखना आपका डी डी एक्स यन यन ने कितना है साइन लॉग एक्स साइन लॉग एक्स साइन का क्या जाएगा कॉस लॉग एक्स रहेगा एक्स में भी साइन रूल लगाइए तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा वन बाई एक्स एक्स यहाँ पर आएगा इसमें वन बाई एक्स ठीक है। फिर लिखते हैं यहाँ पे माइनस लगाइए ठीक है। फिर यन यन ने कितना आपका साइन लॉग एक्स डिफरेंशियल ऑफ ठीक है डिफरेंशियल ऑफ डी डी का क्या है एक्स है नाउ देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस थ्री एम रहेगा सिमिलर जैसा फॉर्मूला इसमें लगाया है एन अपॉन डी का उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सेट करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर क्या लिखते हैं डी वही नीचे वाला एक्स हो जाएगा डिफरेंस लग गया यहाँ पर क्या आता है कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स एक्स का कितना हो जाएगा भाई एक्स हो गया फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या माइनस ठीक है यहाँ क्या आपका एक्स है और लॉग का कितना हो जाएगा यहाँ पे डी है तो डी का मतलब नीचे आ रहा है हम लोग कहते हैं कॉस लॉग एक्स और इसका वन हो जाएगा डायरेक्ट डी एक्स डी डी के मतलब क्या नीचे आ रहा ठीक है। तो यहाँ पर देख पाएंगे डी एक्स एक्स क्या है कैंसिल अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए जीरो आएगा देखिए बारीकी देखिएगा ध्यान से एक्स स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर वाई टू टू कितना इतना है वाई टू टू देखिए इसकी इक्वल टू वाई टू टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे नीचे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ नीचे देखिए एक्स स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्म में ले रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्म में हम तो यहाँ पे ये कट जाएगा फिर बचेगा क्या माइनस थ्री ठीक है माइनस थ्री माइनस थ्री कॉस लॉग एक्स ठीक है फिर यहाँ माइनस प्लस कर दिया ये माइनस प्लस कर दिया प्लस थ्री साइन लॉग एक्स ऐसा कौन हो गया इस कौन हो गया
प्लस यहाँ पर आपका माइनस फोर साइन लॉग एक्स, आई प्लस माइनस हो जाएगा माइनस है, फोर कास लॉग एक्स। अभी किसका वैल्यू था जो वाई टू का वैल्यू था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिमिलर, अब ये वाला प्लस लगाते हैं हम प्लस एक्स, वाई टू वैल्यू क्या है वाई टू, ये ना देखिए एक्स एक्सिस में भी नीचे कॉमन, एक्स डायरेक्ट कॉमन लेना, कितना आ जाएगा यहाँ पे वाई वन, वाई वन कितना आ गया यहाँ पे माइनस थ्री साइन लॉग एक्स, उसके बाद यहाँ पे जाएगा प्लस फोर कॉस लॉग एक्स, ठीक है। अब प्लस वाई, वाई का नीचे क्या है ये वाला, ये और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स, ठीक है। और देखें यहाँ पे काटने का कर सकते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आता है माइनस थ्री कॉस लॉग एक्स, फिर यहाँ देखिए ये आपके यहाँ से प्लस है थ्री कॉस लॉग एक्स, फिर दिस कैंसिल, फिर थ्री साइन लॉग एक्स, देखिए थ्री साइन लॉग एक्स एंड थ्री साइन लॉग एक्स, फिर दिस कैंसिल, नाउ फोर साइन लॉग एक्स फोर साइन इन डाउट साइन, ठीक है। आइए आपका ये फोर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपका ये बच रहा है प्लस में, ये भी प्लस में नहीं, एक माइनस वन से ये देखो माइनस से है ना, माइनस साइन करते रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, सो थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ ऑफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के, एंड उसको यहाँ बताया कि यंग बीइंग लैम्डा लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड द इंटेंसिटी एट द पॉइंट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ इज द डिफरेंस लैम्डा इज 5/4 टू इतना, तो लैम्डा बाई फोर पे कितना यहाँ पे होगा ये चीज में देखना है। तो अभी आपने फाइंड आउट करके देखा कि चलो ठीक है कि आई वन का स्क्वायर और आई टू का रूट में स्क्वायर प्लस टू आई वन आई टू इतना फाइव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ऐसे में क्या आ जाएगा आई वन एंड आई टू इक्वल टू आई, तो यहाँ आई 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 हो जाएगा आई एन तक टू आई हो जाएगा एंड ये तक टू आई इतना फाइव, यहाँ पे बाहर निकाल रहे थे तो यहाँ पर वन प्लस कॉस फाइव इसका फॉर्मूला आप लोग लगा रहे थे तो आ रहा था वन प्लस टू कॉस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कॉस का ना कॉस स्क्वायर फाइव माइनस वन बाई टू ऐसे करके, ठीक है। तो वन से वन कैंसिल हो जा रहा था तो टू टू जा फोर आई आई ने क्या लिख लेते हैं एन ए फोर आई और जगह पे कॉस फाइव बाई टू, ठीक है। तो कॉस फाइव बाई टू तो फर्स्ट जो है फर्स्ट फ्रेंज में फर्स्ट आ रहा है यहाँ पर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा पाई आई दस पूरा लिखा है पाई 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 दस टू पाई यहाँ पे देखो करिएगा फोर आई कॉस स्क्वायर टू पाई बाई टू ये कैंसिल हो जाएगा तो कॉस पाई क्यू कितना होता माइनस एक स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा फोर पाई आई
ठीक देखिएगा डिफरेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर द पाथ इज डिफरेंट, पाथ यहाँ पे डिफरेंट है तो वहाँ पे लैम्डा बाई रूट फोर है, तो लैम्डा बाई रूट फोर से यहाँ कितना आपका आ जाएगा इसका एकदम सेम ही ऐसे रूल फॉलो होगा। आई नेट पहला है, आई नेट दूसरा है, आई नेट दूसरा है, यहाँ पे आपका यहाँ पे लिख पाएंगे कितना आपका यही फोर आई कास स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जब सेकंड पे आएंगे तो इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में है, यहाँ पर 99 है तो इसको हाफ आपका डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 45 45 हो जाएगा। ठीक पूरा पूरा लिख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 90 45 हो जाएगा, और 90 का हाफ कीजिएगा तो 45 हो जाएगा। अब 45 कितना आता है यहाँ पे 2/cos 45 का 1/√1 होता है। इस पर लगा दीजिए तो यहाँ पर लगाइएगा 4i cos डाल दीजिए क्या 1/√2 का स्क्वायर करें कितना आएगा तो 4i यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा 2i आपका मैं दूसरे के यहाँ पर आई वाले में। तो क्या कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट वेयर द पाथ इज द डिफरेंस इज ए लैम्डा बाय 4 तो विल बी इसका कितना अपना होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब डबल की बात कर रहा है और यहाँ पूछ रहा है तो क्यों ना हम फाइंड आउट करके फाइंड ये निकाला जाए कि पहला कंडीशन में कितना है 4i, दूसरा में हमारा 2i ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट पूछ रहा है डिफरेंट तो k हमारा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं i net 1 i net 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आई 4i इसको k में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट i इक्वल टू डिफरेंट आफ्टर k 4k और यहाँ पे कितना 2 इसको कट करिए कितना आ जाएगा उल्टा 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 डिवाइड कीजिए 2 ये 2i 1 यहाँ पर आ जाएगा आपका ये सीधे के रखा होना डायरेक्ट ये भी लीजिए आप तो इसको कर लीजिए इसको मान कर लीजिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सब कुछ किया जाएगा यहाँ पर सब कुछ किया जाएगा तो 2k/4 आई वैल्यू का 1 लेते हैं इलेक्ट्री यहाँ पे कट कर देते तो भी जा ओके भाई तो ये हो गया आपका क्या आंसर। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जनरली आप जो है पढ़ाई करें जाने अच्छी फिर समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग क्लास सेकेंड ईयर का बोर्ड का रिपीट करते हुए जो है हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7 एंड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ द फंक्शन। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ द डेरिवेशन फंक्शन के विषय में हमें जानना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x²+3x+2 का आपको डेरिवेशन अब तक फंक्शन करना होगी सेकेंड ऑर्डर। तो जनरली आपको बताया जाता है कि आपको जनरली क्या करना रहता है कि पहले सबसे पहले आप डायरेक्ट सॉल्व करो अदरवाइज इसको आप लेट कर लीजिए। हमेशा वाई इक्वल टू हमने ऐसा माना x²+3x+2 तो यहाँ देखिए डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड वैसे dy/dx एंड जैसे dx यहाँ पर लगाइए विथ रिस्पेक्ट ऑफ x x², फिर ये dx इसके साथ भी लगाइए 3x और 3x 2। सिंपल सा ये फॉर्मूला आपका पढ़ते आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। dx x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस
इस तरह से। तो हम क्या करेगा आपका सिंपल सा है टू यक्स और ये हो जाएगा आपका टू माइनस वन वन लिखना जगह थ्री कॉन्स्टेंट हो गया यक्स यहाँ पर रिसीव कर लिया। ऐसे सिंपल सा बहुत देखिए बेसिक तरीके से बताया जाता है यानी तीन बाहर यहाँ पर प्लस माइनस वन वन होता है प्लस माइनस वन और ये हो जाएगा ये वाला होगा जीरो क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो आपने फाइंड किया कितना कि टू यक्स प्लस थ्री वन टाइम हो गया डिफ्रेंशिएट क्या था सेकेंड ऑर्डर। अब इसके बाद फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो दो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वंस अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो डी डी एक्स डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा डी एक्स टू एक्स डी डी एक्स आपका थ्री राइट। ये डी डी में डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा एक्स यहाँ पे ऐसे भी उतरेगा वन माइनस वन आई हो जाएगा जीरो। देखिए इसी पर जीरो होता तो इसको वन होता तो वन जाएगा टू यानी सीधे कितना आ जाएगा टू आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जिस तरह का जनरली होता है तो आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं ये कोई जरूरी नहीं कि अल्जेब्रिक फंक्शन में ही दिया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी हो सकते हैं ठीक है पावर में भी हो सकते हैं। तो आप सिंपल सा सॉल्व कर पाएंगे बस आप डेली यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं वन से दो से तीन घंटा मैथमेटिक्स दैट मीन्स आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से डील कर ले जाएंगे और मैथमेटिक्स आप इतनी अपने माइंड को ओपन कर लेंगे जिसकी इमेजिनेशन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो लगे रहिए डेली चाहे तबीयत खराब रहे चाहे कुछ भी रहे किसी कंडीशन में जो है आप पढ़ते रहें तो बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। सो इसको नोट करें गाड़ी बताएँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा आप सॉल्व करेंगे तीसरे पाते हैं तीसरा आपका यक्स कॉस यक्स इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप सिंपल सा क्या से पूछ करोगे कि y इक्वल टू यक्स कॉस यक्स ऐसे हो जाएगा फिर यहाँ पर हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स डी डी एक्स एक्स कॉस एक्स हो जाएगा इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड है आपके यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड मतलब द्वितीय का अवकलन एंड सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ ये होता है इसके अकॉर्डिंग आप देखना पहले यक्स उसी तरह लिखेंगे नाउ डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड सेकेंड के जाए क्या आपका कॉस एक्स है सो सेकेंड रखते हैं कंपेयर करके कॉस एक्स यक्स फर्स्ट क्या आपका यक्स है नाउ यक्स इसका जो है फार्मूला होता है कॉस एक्स का माइनस साइन आ गया तो ये आई प्लस का ऐसे रहेगा फिर एक्स का डायरेक्ट कितना वन हो जाता है क्योंकि वन रिसीव करते हैं और वन पर माइनस करते हैं जो वन होता है वन के इनटू करें तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो अभी ये किसका निकला है वन टाइम निकला है और ये कोई सब क्या कर रहा है कि सेकेंड आ रहा है मतलब द्वितीय बात करना तो आप एक बार रिसीव वन सेकेंड याद देखें इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा फर्स्ट आई पूरा आपका सेकंड हो गया
फर्स्ट दूसरी तरह लिखते हैं यहाँ पे एक्स हो जाएगा नौ एक्स साइन है साइन दीजिए फिर आप लिखिए साइन फिर डिफरेंशियल इसमें आया है एम माइनस कॉस एक्स प्लस एम माइनस इसके आगे बढ़ा कर आपको लिख देना है अरे माइनस से यहाँ पासिंग कराएंगे माइनस कॉस ऐसे एक्स कॉस माइनस साइन अभी से पहले हमने इक्वेशन को ब्रेक किया ना आई वाला आपका कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन तो आप ऐसे ही लिखिए माइनस साइन यहाँ पर ऐसे लिखते आएंगे ये माइनस साइन वन माइनस साइन वन हुआ जाएगा ठीक है माइनस कास यस माइनस वन माइनस वन माइनस टू साइन यस यस तो करते जाइए समझते कॉस थ्री एक्स है फिफ्टीन का बोला है कौन सा बोला है जो ई वाला बोला कि इफ वाई बोले हाँ जी बताइए इफ y इक्वल टू फाइव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस थ्री कॉस हो गया ना फिर हो गया एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स हाँ कॉस एक्स है फिर माइनस थ्री साइन एक्स प्रूफ कामा टू कामा कामा प्रूफ डेट डी का पावर y डी का पावर करेंगे डी है डी का पावर डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर हाँ प्लस वाई इक्वल टू जीरो ऐसे डी का डी का स्क्वायर वाई बोल सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर अदरवाइज सीधे डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर बोल दो डिफरेंशियल क्या बोलेंगे सेकंड ऑर्डर हाँ सेकंड ऑर्डर तो डी का जो स्क्वायर है डी पे है वाई पे नहीं है हाँ तो ये बनाना है इसको ऐसे बोल बोल सकते हो सेकेंड ऑर्डर ऑर्डर ऑफ वाई मतलब डी का पावर डी का स्क्वायर वाई सेकेंड ऑर्डर मतलब ये सुपर ऐसे सेकेंड ऑर्डर तो यहाँ पे आपको जीरो लाता हूँ तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए यहाँ पर डी वाई बाई डी यस आपका यहाँ हो जाएगा डी डी यस फाइव कॉस माइनस थ्री साइन यस वन चांस इंग्लिश वन चांस इंग्लिश लेकिन सेट कर दीजिए फाइव बाहर आ जाएगा और इधर कास का डायरेक्ट लिखिए माइनस साइन हम लोग बता दिया ये थ्री हो जाएगा और इधर साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्सेप्ट हो जाएगा ये आपका आधा डिफरेंशियल ऑफ वाई अभी एक बार और कीजिए सेकंड ऑर्डर लेकर आपको ग्रेट करने के लिए वंस अगेन वंस अगेन आपको डिफरेंशियल करना है बहुत सारे तो डी 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 वाई बाई डी एक्स यहाँ पर जाएगा आपका डी डी एक्स माइनस फाइव साइन एक्स माइनस थ्री कॉस चांस इंग्लिश इंग्लिश माइनस फाइव कैसे रहेगा डी डी एक्स साइन का क्या देगा आपका कॉस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा फिर आप यहाँ पे थ्री आज साइन करके कॉस कर दीजिए माइनस साइन थ्री प्लस कर देगा साइन एक्स ये हो गया
अब इसमें से देखिए क्या कर रहा है, कि इतने के लिए आप देख रहे हैं पहले माइनस कॉमन ले लेना से, ठीक है, अब पॉजिटिव माइनस कॉमन ले, पॉजिटिव जाएगा पास आई नेगेटिव है तो उसको जब माइनस कॉमन माइनस कर देगा, फिर इसको इधर मूव कर देते, ट्रांसफर कर देते, देयर मीन्स माइनस इफ द टेकिंग कॉमन फाइव कॉस यस आई प्लस से माइनस कॉमन लेना चाहिए तो माइनस कर देगा थ्री साइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर वाई डी एस स्क्वायर, इस फंक्शन को इधर कर लीजिए, इसके लिए आप क्या ले सकते हैं सीधे वाई ले सकते हैं, क्वेश्चन से देखिए हम क्वेश्चन फाइव पास माइनस थ्री साइन एक्स को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई, आप वाई आई इसको डला दीजिए माइनस वाई हो गया है आई प्लस वाई क्या हुआ जीरो, आइए बार बार क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का आपको क्वेश्चन लगता है ई पावर एक्स एंड फाइव पे एक्स, तो इसको सबसे पहले आप जो है लेट कर लीजिए वाई इक्वल टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कीजिए ऑन बोथ साइड पूरा पार्शियल लिखेंगे बाय डी एक्स ई पावर एक्स साइन फाइव एक्स, यहाँ पे डी एक्स लिख दीजिए इसमें फर्स्ट और यहाँ को आप सेकंड प्रोडक्ट आप सब फर्स्ट सेकंड लगाइए तो फर्स्ट उसी कर लिखते हैं हम लोग एक होता है बैक पे होता है वहाँ से देख लीजिए डीडी ई पावर एक्स का ई पावर एक्स लिखेंगे कि डीडी एक्स सेकेंड का तो साइन है साइन का जाए तो आज एक्स हो जाएगा अगर हम एक्स हैं तो फाइव एक्स लिखेंगे अगर चैन रूल लगाएंगे चैन रूल लगाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे एक्स कॉमन फाइव बाहर हो जाएगा बिना फाइव लिख दिए, ठीक। तो फर्स्ट डिफरेंशियल आप सेकेंड का इतना हो गया ना, आप सेकेंड लिखेंगे साइन यहाँ पर आपका फाइव एक्स आई पर एक्स आई पर एक्स हो जाएगा फर्स्ट में, ठीक। तो आपका इतना हो गया डी बाई डी एक्स आप ना हो वन सेकेंड प्रणाम लीजिए वन सेकेंड डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड बोथ साइड, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ना बी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इज दैट डी एक्स फाइव बी पर एक्स कॉस एक्स कॉस फाइव एक्स, और यहाँ पर इसका भी ऐसे लिखेंगे डी एक्स साइन फाइव एक्स आई पर एक्स, इसको फर्स्ट सपोज कीजिए इसको सेकेंड कोई भी आप फर्स्ट सेकेंड इसको फर्स्ट सपोज कर लीजिए इसको सेकेंड, तो ये डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, चाहो तो ऐसे भी सकते हो सेकेंड ऑर्डर भी पाएगा फाइव ऐसे रखते हैं फर्स्ट उसी कर लेते हैं डिफरेंस वाला पास करके देगा माइनस साइन फाइव एक्स और फाइव चैन रूल आएगा फिर बाहर हो जाएगा, फिर इसी को सेकेंड में लिखते हैं प्लस फाइव एक्स आई पर एक्स आई पर एक्स रहेगा, ठीक। सिमिलर इन दिस इसमें भी प्रोडक्ट का एक पास और सेकेंड का, तो फर्स्ट आप उसी तरह लिखिए ई पर एक्स का ई पर एक्स लिख दीजिए फिर साइन का हो जाएगा क्लास फाइव एक्स और चैन हो गया फाइव बात हो जाएगा, फिर ना सेकेंड उसी का लिखा जाता है साइन फाइव एक्स आई पर एक्स आई पर एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर, इसमें माइनस से फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा फाइव माइनस ई पर एक्स यहाँ पे साइन फाइव एक्स माइनस फाइव ई पावर एक्स प्लस फाइव एक्स, ठीक है फाइव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे हो जाएगा आपका ई पावर एक्स फाइव बाहर ले गए हैं यहाँ पे कॉस फाइव एक्स और यहाँ हो जाएगा ई पावर एक्स साइन फाइव एक्स, तो देखने करने वाला आपको काट दीजिए फाइव ई पर एक्स कास एक्स फाइव ई पर एक्स कास फाइव एक्स यानी दिस एंड दिस कैंसिल हो गया। नाउ यहाँ से भी देखते हैं इफ हियर
वाई लिख सकते हैं, आप वाई लिखेंगे तो जैसे तो बोल दीजिए वाई अब दस सेकेंड आ रहा फिर माइनस फोर वाई इधर आएगा तो वाई अब दस हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। रिपीट करते हुए यूपी बोर्ड का जो है आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीबीएसई और यूपी को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे एक आज एक कोई जो डायलॉग था कि डर के नैया पार नहीं होती या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना चाहिए, ठीक है। रात में पढ़ाई कर रहे हैं, नींद आ रहा है, ठीक है, नमक लगा लीजिए, मर्चा लगा लीजिए, मुँह धुल लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। फिर नींद आ रहा है तो क्रीम पाउडर लगा के आलिया कालिया सब बन जाए, लेकिन मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए। जब तक आपका पेन चलेगा तब तक नींद नहीं आएगी, ये ऑलवेज अपने माइंड में रखें। आए बात समझ में? तो आइए आते हम लोग क्वेश्चन पे। व्हाट इज योर क्वेश्चन? cos x क्यूब cos x क्यूब x क्यूब sin स्क्वायर इसी में इनटू में sin स्क्वायर x पे 5 पावर 5 क्वेश्चन है। x पे 5 क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ना। तो देखिए This is question is very simple, very simple। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन जब होते हैं ना तो माइंड में हमेशा सेट कर लेना चाहिए कि यहाँ पर दिस इज द देयर इज द प्रोडक्ट लॉ। कौन सा लगेगा? प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ में हम लोग क्या करते हैं, एक का डिफरेंशियल एक को छोड़ो फिर दूसरे को छोड़ो तो फर्स्ट का डिफरेंशियल करो। यू नो बच्चा लोग, फर्स्ट एंड सेकेंड का, तो फर्स्ट ऐसे लिखे हैं डिफरेंशियल आप सेकेंड लिखते हैं और फिर सेकेंड लिखते हैं बाबू, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं फर्स्ट का, ये डिफरेंशियल पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग। नाउ कंपेरिजन, फर्स्ट की वैल्यू इतना और सेकेंड की वैल्यू इतना, तो इसके अकॉर्डिंग हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन ऐसे लिखा, फर्स्ट उसी तरह लिखते हैं cos x क्यूब डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या हमारा साइन स्क्वायर एक्स टू पावर फाइव, फिर क्या लिखते हैं प्लस सेकेंड, सेकेंड यही हमारा साइन स्क्वायर एक्स पावर फाइव डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा डी डी एक्स कास एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे चेन रूल भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। कास एक्स क्यूब, देखिए ये टू पहले उतारिए डायरेक्ट में, फिर इसको ऐसे लिखिए साइन टू में से वन, वन लिखना जरूरी है ना एक्स पावर फाइव, एंड वन से गिवन द चेन रूल लगाएंगे तो भी जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो फाइव आगे उतार लीजिए और एक इसमें से माइनस कर दीजिए, क्लियर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्लस ये लगाइए साइन स्क्वायर एक्स पावर फाइव, और यहाँ पे कास का क्या होता है इन टू माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक बार इसमें चेन रूल लगाइए तो कितना जाएगा तीन एक्स स्क्वायर, आप सेट करके लिख दीजिए, ये आंसर हो गया। फाइव टू जा टेन एक्स पावर फोर पहले में लिख दिया, ये हो जाए आपका कॉस एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे साइन एक्स पावर फाइव, प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा और थ्री बन जा थ्री एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिखोगे तभी मिलेगा, लेकिन आप कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, बोर्ड में बैठे हैं, तो यहाँ पे चेन रूल लगा दीजिएगा, ऐसे लिख के लगाइएगा cos x क्यूब है x पावर फाइव को क्या सपोज करिएगा टी, क्या सपोज कीजिएगा टी, तो जब टी सपोज करिएगा यहाँ पे ऐसे लिखिएगा चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, चेन रूल में क्या होता है जो टी सपोज करते हैं
वहां पर जिसे यहाँ पे टी लिखे ना साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पे डी टी अपान डी एक्स, समझ पाए? तो देखिए ये यहाँ का डी एट वाला डायरेक्ट यहाँ मार दिया हूँ, ये वाला डी एक्स इसके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, श्योर? ठीक है, और यहाँ पे टी जो ऐसे टी बसता है, टी को लूप पुट करता, तो क्या होगा एक्स पावर आई हो गया सिमिलर थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पर, इसमें भी ऐसे अप्लाई करेंगे। चलिए अभी यहाँ से भी जब पूरा डिटेल में चल रहा है, ऐसे लिखे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स पावर फाइव, इसको भी हम टी सपोज कर लें, थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दें लेट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी, यहाँ पे टी सपोज करेंगे तो क्या डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड ऐसे करते हैं ना, आपस में क्या होगा एक्सचेंजिंग ऑफर डी डी टी, फिर हो जाएगा कॉस टी और ये हो जाएगा डी डी, ये वाला एक्स यहाँ पर आ गया और कैपिटल टी, कैपिटल टी को लू क्या यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, क्लियर? तो देखिए अभी बच्चों सिंपल सा यहाँ पे भी देखिए ये आपका स्क्वायर में, जनरली हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं क्या साइन टी का कॉस टी होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर फिर एक बार यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा। वंस अगेन आल्सो हियर साइन टी को वंस अगेन लेट कि साइन स्मॉल टी को हमने क्या यहाँ पे टी वन सपोज कर लिया, क्या कर लिया टी वन, थोड़ा सा डिफरेंस दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखिए आप कॉस एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे जब इसको यहाँ पर ये साइन को लेके पूरा ऐसे इसके साथ लेके, ठीक है नहीं रहेगा, साइन टी को मैंने क्या सपोज कर लिया टी वन, तो क्या करते हैं चीज जो सपोज का तो उतनी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा चेंजिंग ऑफ फॉर, तो डी डी टी टी वन आ जाए आपका टी वन का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे डी आ जाएगा ये डी एक्स यहाँ पे डी टी आ जाएगा और यहाँ पे टी वन, व्हाट इज द टी वन, टी वन को यही ना सपोज किए हुए हैं साइन टी, आ इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा सिंपल सा फॉर्म में है, इसको क्या आप लिखोगे फाइव एक्स पावर फोर माइनस, फिर सिमिलर ये लिखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स पावर फाइव है, इसका कितना आ जाएगा फॉर्म में डी डी टी का क्या हो जाए आपका माइनस साइन टी, क्या लिखेंगे माइनस साइन टी, उससे पहले यहाँ प्लस चल रहा था इस वाले में, यहाँ प्लस लगाते जाते फिर जाता माइनस जाता, यहाँ कितना होता आपका थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आपका थ्री एक्स स्क्वायर ऐसे आप लिखते प्लस माइनस में माइनस हो जाता, अब साइन टी कैपिटल टी, कैपिटल टी को लू क्या यहाँ पे हमने सपोज किया है कास एक्स, यहाँ पे क्यू ए ओनली आपका एक्स क्यू, तो ये पहले लिख देते आप यहाँ पर, आया समझ में आया, ठीक है। आप फिर देखिए थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पे पूरा मैच कर गया, साइन स्क्वायर एक्स पर फाइव हो गया, आप फिर साइन आ कैपिटल टी को रखते तो क्या एक्स क्यू, यानी इधर का पूरा आंसर आ गया चैन रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी देखिए टू आगे आ जाएगा, टू टी वन हो जाएगा, टू टी वन, टू यहाँ पे आप फाइव यहाँ पे फाइव टू जा टू उतारेंगे, फाइव टू जा टेन हो जाएगा, टेन एक्स पावर फोर, यहाँ पे भी टेन एक्स पावर फोर हो गया, कास एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पे भी कास एक्स क्यूब हो गया, आई टू टी वन, हाँ इसको अप्लाई करते हैं तो टू टी वन, टी वन को लू क्या जाएगा आपका साइन टी, और फिर टी को लू पुट करते तो टी को लू क्या होता है एक्स पावर फाइव, तो इधर का पूरा हो गया, तो क्या आप लिखते हैं यहाँ पे साइन टी, टी के लिए लिखेंगे एक्स पावर फाइव, देखिए ये भी मैच कर गया पूरा, ठीक है, आए यहाँ पे ये मैच था यानी सेम एकदम वही कंडीशन आएगा, ठीक है। तो देर इज द वेरी सिंपल, आप बहुत सही कर पाओगे, ठीक है, चैन रूल लगा के कीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट मारिए, आपको आना चाहिए स्पष्ट आना चाहिए, और जब लॉन्ग में आता है तो चैन रूल कंपल्सरी लगाइए, अदरवाइज कंपटीशन में मार धड़ाधड़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें माइंड में आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे तरीके से फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो और एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी डाउट होता तो हमसे पूछो, थैंक यू। देखिए चैन रूल का सेंस क्या होता है, ध्यान से समझिए, चैन रूल
जगह नहीं था इसकी वजह से। आपका जो फार्मूला से थोड़ा और दिखे, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये क्वेश्चन आपका है, साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो हम लोग सिंपल से जानते हैं डी एक्स का क्या होता है आपका माइनस साइन। अब जब पढ़ लेंगे तो ये बहुत इजी लग जाएगा ना, क्योंकि देखिए कास का क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा माइनस साइन, एक्स तो एक्स क्यूब लिख दिए, डायरेक्ट मारिए यहाँ पे तीन है तो तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू में, इतना हो गया आंसर, मतलब माइनस थ्री साइन स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सात साइन एक्स क्यूब, ये आंसर हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, तो चेन रूल लगाइए, जब भी फार्मूला सॉर्ट देखे उसको टी मान लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसको सपोज किया, लेट एक्स क्यूब को हमने क्या किया टी, तो ऐसे लिखिए डी डी एक्स कॉस टी, तो डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से फिर आपस में अदला बदली कर लेते हैं, नीचे से नीचे अदला बदली कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप डी डी टी कॉस टी, यहाँ पे डी डी एक्स, यहाँ पे देखे टी बचा आई टी, तो टी का वैल्यू क्या था यहाँ पे एक्स क्यूब। अब देखिए आई टी के रिस्पेक्ट में है, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे ये किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या लिखिए आप माइनस साइन टी, आ इसका ये फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला पड़े हैं एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक। तब देखिए यहाँ पे क्या आप उतारिए, तीन उतारे हैं, आए तीन में से आप वन ऐसे घटाइए तो क्या देखेंगे मिलेगा कि तीन एक्स स्क्वायर माइनस आगे लगा दिए आई साइन टी, और टी को लो पुट कर दीजिए साइन टी को लो क्या था आपका एक्स क्यूब, तो ही चीज़ आया ना डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में इतना डायरेक्ट में से लगा दी, कोई मतलब बीस का इनटू लगाना मतलब आगे लग दीजिए, एनी डाउट। चेन रूल वही मतलब होता है, सेम कंडीशन होता है। फिर दूसरा मान लीजिए यदि आपका क्वेश्चन है, इसको जरा आप लोग खुद भी लगाइए, जो इस तरह का क्वेश्चन था कि साइन स्क्वायर एक्स पावर फाइव, तो मैंने क्या कहा जब भी फार्मूला सॉर्ट दिखे, क्योंकि हम लोग साइन का जानते हैं, तो डायरेक्ट में क्या करना है ये फाइव उतारिए और इसमें से एक माइनस कर दिए चार हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता हमारा कॉस, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर में से टू घटाएंगे तो और बच जाएगा, फिर यहाँ बच जाएगा एक्स पावर फाइव, और दो और उतार लीजिए यहाँ पे तो फाइव टू जा टेन हो जाता है इतना, नहीं तो इसको पहले आप इस तरह से फार्मूला चेन रूल के अकॉर्डिंग मानिए, इतनों को मैंने लेट किया टी, और जब यहाँ पे टी लेट किया तो डी डी एक्स ऐप हो जाएगा साइन साइन, अभी टी माने हैं तो ये लिख लीजिए टी स्क्वायर, ओए इसको यहाँ पे टी और यहाँ पे डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से, और फिर आपस में एक्सचेंज करिए, फिर यहाँ पहुँचा आपका कितना तो डी डी टी है टी स्क्वायर, आ यहाँ पे लिखते हैं डी डी एक्स, आ यहाँ पे टी व्हाट इज द टी वैल्यू भैया ना पुट करिए फिर साइन एक्स पावर फाइव, है उतार क्या आएगा जैसे ही वाला फॉर्मूला लगाए जितना पार उतारते हैं तो टू टी हो जाता, और फिर एक बार वन से फिर से इसको टी मानिए, यहाँ पर टी मान लें तो इसको टी वन मान लें या कैपिटल टी मान लें, आप ऊपर डिपेंड करता क्या मानते हैं। फिर यहाँ पे जब ऐसे तो लिखते हैं डी डी एक्स आप साइन टी वन है तो कितने से मल्टीप्लाई डी टी वन से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे ना, और फिर आपस में अदला बदली, ठीक। अब यहाँ पे अदला बदली हो जाएगा तो क्या देख पाओगे आप लोग, दिख रहा जी नीचे टू स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी को मैंने क्या सपोज किया रखा था साइन एक्स पावर फाइव, तो डी डी टी वन यहाँ पर जाएगा साइन टी वन आई डी डी एक्स, और व्हाट इज द टी वन, टी वन को यहाँ क्या है एक्स पावर फाइव, तो यहाँ पर थोड़ा जगह का देखिए हाई पाँच उतार लीजिए आगे एक्स पर फोर हो जाएगा ना, तो
इसको इन पे ऐसे देखिए, 5x पावर 4 नहीं दिख रहा है, 5 × 10 हो जाएगा, एक्स पावर कितना आ जाए आपका 4। फिर आप क्या लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स पावर 5 और साइन टी का क्या होगा, कॉस टी T1, तो T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे है, एक्स पावर 5। ठीक है, तो वही कंडीशन है यहाँ पे, 5 × 10 x^4 यहाँ पे कॉस x^5 यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे साइन x^5 चाहे आगे लिखे चाहे पीछे लिखे बताइए। तो सिंपल बहुत ज़्यादा होता है, बस कैलकुलस इज वेरी पॉसिबल इन द फिजिक्स एंड इन द मैथ। और वो कैसे पॉसिबल है, जो ट्राई इज द बेस्ट ऑप्शन, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, और गिर के चढ़ने में कोई बदनामी नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई करें। आइए पहले आप लोग को डिफरेंशियल का टोटल फार्मूला तैयार करना चाहिए। टोटल फार्मूला में क्या करते हैं, ट्रिगो का टोटल मालूम हो, अलजेब्रिक फंक्शन का मालूम हो, ठीक है होएगा ना। तो देखो यहाँ पे जैसे हम सपोज करते हैं इसका विधियक्ष टेन एक्स का सिंपल सा होता है, मान लो का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर, ये फार्मूला मालूम है, लेकिन मैं कहूँ इसी में थोड़ा सा ऑड आ जाए, ऐसे ऐसे कहूँ टेन यहाँ पे ऐसे लिखूँ टेन यम एक्स स्क्वायर ऐसे, तो डायरेक्ट यदि तुम लोग करोगे तो टेन का क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे एक्स था तो एक्स लिखे थे, यहाँ पे क्या एम एक्स है क्या लिखोगे, लेकिन हाई फार्मूला से ऑड हो गया ना, ऑड मतलब वही जैसा है लेकिन उससे अलग हो गया, तो इसका भी एक बार तुम लोग क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। तो यह मैं मान लो कांस्टेंट है, आई एक्स स्क्वायर क्या होगा, जो भी पार होता उतर जाता और एक उसमें से माइनस हो जाता है 2x, यानी इसको ऐसे आप लिखो क्या देगा 2 x² एम एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया शॉर्ट में। लेकिन इसी को जब चेन रूल के अकॉर्डिंग आप लगाओगे ऐसे डीडीएक्स, टेन यहाँ पे डीडीएक्स लगा लो, ठीक है टेन यहाँ पे लगाओगे तो यम एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला से और क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्स होता है रियलिटी में, जबकि यहाँ कितना एम एक्स स्क्वायर है, एम एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टी सपोज कर लो, जब टी सपोज करेंगे तो ऐसे लिखिए यहाँ पे डी डी एक्स टेन क्या हो जाएगा टी, फिर डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से, और फिर आपस में क्या हो जाएगा एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी डी टी टेन टी और यहाँ पे डी डी एक्स, हाँ अब टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल देखा है, ठीक है यहाँ पे ये यहाँ पे डी टी कर दे रहा है डी अपन डी टी टेन टी, और यहाँ पे हाई यहाँ पर अगर डी एक्स हाई टी बच रहा है यहाँ पे भी टी लिखना बाकी है, और टी को लुआ पुट कर दो क्या आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स एक्स में तो इससे एक स्क्वायर एक्स फार्मूला हुआ, दिस इज योर फार्मूला, अब यहाँ टी टी में क्या आ जाएगा, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, आई एम यहाँ कॉन्स्टेंट है हम बाहर ले लो, ठीक है डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, अब लिख यहाँ पे यम बाहर लिख दे रहे हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर, और टी को लू क्या था पुट करते हैं फिर इतना हो गया, आप फिर इसको हम हाई पावर उतारते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं डी एक्स एक्स पावर एन का क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, तब क्या उतारोगे दो उतारो और दो में से ऐसे माइनस करो, भाई देखो यहाँ कौन लिखना जरूरी है नहीं, टू एक्स आगे लिख लो टू यम एक्स सेक स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर।
तो शॉर्ट में भी आप लगाओ वहाँ पर, आप लॉन्ग में भी लगाओ। तो लॉन्ग बोर्ड के लिए दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, फिर शॉर्टकट मारो कंपटीशन में बैठ के। तो आए समझ में? तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। जरा एक लगा दिखाइए और फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट। तो यहाँ को इतना आप लिखेंगे, इसी मॉडल पे मैं दे रहा हूँ। चलो इसको ठीक है। सो थैंक यू। हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। आइए हम लोग सीखते हैं छोटे बच्चों का जो है क्लास सेवन का लेसन कि क्वेश्चन आपका है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फ्रैक्शन। राइट द क्या करना है? फॉलोइंग इन द डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है। तो सिंपल सा डेसिमल फ्रैक्शन में लाना रहता है। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहता है बच्चा, तो आफ्टर डेसिमल लिखते हैं, काउंट करते हैं हाउ मेनी डिजिट, ठीक है, कि डेसिमल पर कुल कितने डिजिट हैं। ये डेसिमल है, डेसिमल कितने डिजिट है, एक है ना। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ऐसे लिख देना है नंबर को, ऐसे लिख देना है, एक डिजिट है ना। तो यहाँ से ऐसे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दीजिए। एक डिजिट रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड दो डिजिट रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड तीन डिजिट रहेगा, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो देखो अब यहाँ क्या करो बच्चा, इसके ट्राई करो, 3 हो जा 3 और ये 0 है। डेसिमल इधर इधर आप डेसिमल से इधर लिखोगे 0 उसकी वैल्यू नहीं होता है, और डेसिमल एक डिजिट पे बाई 3, यानी ये 0 ये 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। सिंपल सा तो कितना जाएगा बच्चा, 3 5 10, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आफ्टर डेसिमल चेक द हाउ मेनी गिवन नंबर, डेसिमल के बाद कुल कितने नंबर दे रखे हैं, 3 एक ही नंबर है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, क्लियर, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। अब देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 10 3 30 ऐसे निकालो, आगे भी 0 पीछे भी 0 लगाओ तो उसका वैल्यू खत्म, क्योंकि आप जानते हो ना मल्टीप्लाई करते हो ना कि डेसिमल बाद कुल जितने डिजिट रहता है मल्टीप्लाई लगा देते पॉइंट लगाते हैं। तो देखिए एक डिजिट पे है, इधर से हमने काउंट किया 13 डिजिट यहाँ पे लगा दिया, तो ये डेसिमल बाद 0 और उससे नंबर से पहले भी 0 रहे उसके कोई भी नंबर ना रहे तो 0 हटा देते हैं, तो 3 बाद कितना हो जाएगा 10, क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है तो सिर्फ 0.9 × 10/10 वही चीज है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऊपर कर लीजिए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो तो 10 9 90, इधर भी 0 लिखना जो है नहीं क्योंकि 0 है, 10 0 0 जरूर रहेंगे। एंड डेसिमल एक डिजिट लगाइए, इसका इसका खत्म, यानी कितना जाएगा 9/10, ये आंसर हो जाएगा बच्चा, क्लियर। या पे इतना है यानी आप यहाँ लिखिए 0.8 × 10/10 कितना जाएगा, यहाँ पे 8.0 इधर का ये सब लिखना जरूरी नहीं होता, बाई 10 यानी 8/10 कटने वाला था काट देते, नहीं काट गया तो इसे छोड़ने से 9/10 नहीं कटेगा, 3/10 नहीं कटेगा, सिंपल सा है। तो इसको भी ऐसे छोड़ दो, अदरवाइज इसको काट दीजिए, 2 4 जा 8 2 5 जा 10 आप ये नहीं कटेगा ऐसे छोड़ दो। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए, यानी ऊपर का भी पार्ट होना चाहिए और नीचे का भी पार्ट होना चाहिए, क्लियर। इसी तरह इसको भी आप सॉल्व करोगे, राइट, ठीक है। अब देखिए यदि मैं यही सपोजिशन बना दूँ तो ऐसे रहे कि 0.31, तब दिमाग में रहोगे हम क्या करोगे, आप लोग डेसिमल पर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो ऐसे लिखना आप लोग 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे 100 1 जा 100, हाँ क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे डायरेक्ट, हाँ फिर कह दिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 100 3 जा 300 300 भी आप 10 ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 310, या 900 से मल्टीप्लाई करो, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसी 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए,
कंफर्म तो 3 हो जाएगा। आई तो 0 आगे लगा दीजिए, भी 0 लगा दीजिए। आप इधर नंबर काउंट करते हैं 1 2 टू डिजिट्स ऐसे लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक जीरो यहाँ लगाइए ऐसे, यहाँ पे इधर का 0 इधर का 0 खत्म। फिर कितना आ जाएगा आपका, सीधे इतना, यानी आपका 31/100। डायरेक्ट आप इसे ले सकते हो, डेसिमल हटा दो, 31/100, क्लियर। यहाँ पे समझो ये डायरेक्ट यहाँ पे हटा दो, ये डी इतना 6/100 लिख दो। डायरेक्ट आप करना चाहते हो यहाँ पर 8/10 जी, एक डी है ना, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहते हो यहाँ पर कितना है, पॉइंट हटा दो 9/10, इसको भी आप लिख दो 3/10, क्यों एक डिजिट है। आप मेथड वाइज करोगे तो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, एनी डाउट। मान लो यहाँ पे आपका रहा इस तरह से, हाँ, तो इसको डायरेक्ट आप लिखो कितना आ जाएगा 504, कितना डिजिट है, 1000 ऐसे लिख दो, हो गया आंसर। अदरवाइज इसको ऐसे करके दिखाना चाहते हो तो ऐसे लिखो 5504123, 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई 1 4 4 10 15 5, यहाँ पे ऐसे 0 हो जाएगा, क्लियर। और डेसिमल कितना ली 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, ये खत्म, इधर भी ये खत्म, ठीक है। 1000 ऐसे आया, क्लियर। तो इस तरह से लगा सकते हो आप लोग, समझे, यानी 500/504 इतना ही हो जाएगा। चलो बच्चा लो, ठीक है। अब यहाँ पे जिसको काटना चाहो तो कट भी कर सकते हो 2 से, ठीक है। पहले 2 से कट करो, 2 2 जा 4 2 5 जा 2 2 जा 4, ठीक है। फिर इसको 2 5 जा 10 0 हो जाएगा, फिर 2 से कट करो, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 12 2 2 जा 2 5 जा, फिर ऐसे कट करो, फिर कटते कट कट 2 6 जा 2 3 जा, इसको 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, या इस तरह से लिख दो 6 3 5 1 2 5। आया बच्चे आप लोग को समझ में, तो इस तरह से करना होता है, तो क्लियर समझ में आ गया, ऐसा करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग घर से सॉल्व करके लेके आएंगे, हम इसे चेक कराएंगे, ठीक है। और प्ले स्टोर से वीडियो को भी आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आप सब कुछ पढ़ाई से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार समस्या होने पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसे बना के लिखाइएगा। चलो बच्चों, आपने इससे पहले समझा छोटे बच्चों ने, आप लोग कैसे जो है उसको डेसिमल में जो है आप कन्वर्ट करके जो है लाते हैं, फिर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डेसिमल का वर्ड लिखते हैं, पूछा जाता है वर्ड में आपको लिखना, नंबर में लिखना, ये सब कर लेते। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसमें आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म, क्या कह रहा है, लोवेस्ट टर्म की बातें कर रहा है बच्चों। लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट टर्म का सेंस क्या रहा है, उसको जो है आप इसको पहले किसके फॉर्म में लाइए, कौन से फॉर्म में लीजिए, आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके क्या कहेंगे, फिर इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो देखो बच्चे, वो आपका ये बता रहा था क्वेश्चन नंबर 19.4 है, डेसिमल पर कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 3 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। साथ देखिए 1 4 जा 4 1 9 जा 1 1 जा 0 आ गया, ऐसे लगा दीजिए एडिशनल कितना डिजिट पे, ये डिजिट पे, ये डिजिट पे हो गया 5 10,
लिखना जरूरी नहीं होता है, क्लियर? ठीक है, देखिए 1 9 4 5 10 डेसिमल हट गया, ये आपका फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया ना। ठीक, अब एक छोड़ दीजिए या दवाई इसको कट कर दीजिए, 2 5 10 2 9 18 1 2 14 14, क्लियर? डिवाइड आपको आता है सिंपल सा, डिवाइड आपको ऐसे करना पड़ेगा 9 upon 19 = 5, वैसे ना 97 upon 5 है। ठीक है, तो देखिए 5 5 कितना बचेगा 9 से 4, फिर करेंगे 7 9 9 9 45, तो 7 से 5 का बच्चा ये हो जाएगा, कितने बार गया है 9 बार, 19 भागिए सर, भागिए, तो 19 का गया, तो दीजिए रिमाइंडर कितना आया, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, बस ये हो गया ऐसे। ठीक है, लोएस्ट पांच नंबर को ले पा के इसको कट करके जो है मिक्स दे है, जैसे मतलब तो नहीं लाना है, लेकिन इस तरह का देख सकते हो कंफर्म, और यही पाप का पावर कट ऑफ होता था। ठीक है, से 19 है ना, ऐसे आप समझिए 19 है, 19 लिख दीजिए पॉइंट है, या फिर डिस्प्ले लिखिए ना, तो क्या 10 से मतलब और 10 से डिवाइड कर दीजिए 19, आइए कितना जब डेसिमल खत्म हो गया समझिए 4 upon 10, तो 2 4 2 5 10 19 राइट, 2 5 यही चीज है ना यहाँ पे, क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो बच्चा। अब देखिए यह है 15.40 आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो जब 2 डिजिट रहता है क्या कितने से बन पाए, 100 से बन पाए, और 100 से डिवाइड, वैसे क्या करना है यहाँ पे 5 1 5, अब 5 कट जाएगा, एनसी जैसे कर लीजिए 40 upon 100 कट वाला बता रहा है, 40 upon 100 हो जाएगा, 1 0 0 0 एनसी ले आपके पास आप कुछ जा और तो फाइव जा यानी 15 by 2 upon 5 हो गया, ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करो बच्चा, इसके एस्पेक्ट में 1 2 जा 1 5 जा 1 1 जा 1, डेसिमल कितना 1 2 3 3 0 इधर लगाएंगे, डेसिमल कितने डिजिट पे 1 2 डिजिट पे, ऐसे 1 2 डिजिट हो जाएगा 500, फिर क्या करना बच्चा 1 5 4 0 by 100, तो देखिए ये यहाँ से कैंसिल, कितना बचेगा 1 5 4 upon 10, देखिए 2 7 जा 14, तो 77 by कितना जाएगा 5, आप ऐसे सिंपल सा डिवाइड करिए 5 के आप लिखे 77 20 बन जाएगा 5 5 जा 2, फिर आप 7 इसे दीजिए 5 5 25 5 5 5 25 5 5 जा 25, कैरी 2। ठीक है, कितना बचा है पे 2, तो कितना टाइम गया मिक्स वाले में 15 टाइम, किससे डिवाइड किए 5 5, कितना रिमाइंडर आया है 5 ही है ना। ठीक, इस तरह से बच्चों किया जाता है, करोगे पढ़ोगे बावाद बनोगे, पढ़ोगे लिखो नवाब बनोगे, पढ़ो दबा के पढ़े दबा के। ठीक है, आप पेंसिल ले लो, रबड़ ले लो, आपको पढ़ते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। ठीक है, मम्मी पापा से पूछो, भाई बहन से पूछो, अपने सर जी से पूछो, मैथमेटिक्स को इंजॉय करके लगाओ बच्चों, लगाओगे ना आप लोग, हाँ लगाइएगा, आप लोग बहुत तेज आगे हो जाओगे। और इस तरह से मैं दे रहा हूँ आपको, घर पे भी ट्राई कीजिएगा, करेंगे आप लोग ट्राई। तो यहाँ पर चलिए मैं लिख रहा हूँ 3 5 4 5 5 4 5 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
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और बढ़िया सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसमें से उस बुक में से एलिसन
उस बुक में से दो तीन टॉप क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आईआईटी वाले पे है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, लगाते लेके आइएगा सर, कल बताइएगा कल पेपर।